नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। जी हां, आज हम आए हुए हैं माहिम दरगाह में। माहिम दरगाह में एक ऐसा पेटीएम लॉन्च किया गया है जो पूरे वर्ल्ड वाइज कलेक्शन किया जा सकता है। हमारे ट्रस्टी सुहेल खंडवानी हमारे साथ हैं और पेटीएम जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में बताएंगे। सुहेल सर एक ऐसे शख्सियत हैं जो माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी हैं। हम सीधा इनसे पूछते हैं कि ये जो पेटीएम लॉन्च किया गया है इसके बारे में वो बताएं और क्या लोग इससे फायदा उठा सकते हैं वो भी बताएं। बहुत स्वागत है आपका टॉक विद तमन्ना में। कल आपने पेटीएम लॉन्च किया है सर, उसके बारे में सारे लोग जानना चाहते हैं कि इससे लोगों को फायदा क्या होगा। देखिए, माहिम दरगाह जो है एक प्रोफेशनल रन ऑर्गेनाइजेशन है और 2007 में माहिम दरगाह को ISO सर्टिफिकेशन मिला था, जो दुनिया में पहली दरगाह ट्रस्ट था जिसको मिला था। सो वी बिलीव इन गोइंग अहेड विद टाइम्स। और ये पेटीएम जो लॉन्च हुआ है ये लोगों की सहूलत के लॉन्च हुआ है कि लोग जिधर भी बैठे दरगाह की ज्यारत भी कर सकते हैं, उसमें काफ़ी और सहूलत भी आने वाली है, डोनेशन ऑनलाइन हो सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। सो ये जब डोनेशन जब कलेक्ट होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी टॉप ऑफ द लाइन एक प्राइम इम्पोर्टेंस पे आ जाती है। और आज लोगों के माइंड में मिथ है कि भाई जो लोग ट्रस्ट चलाते हैं और कुछ है तो उसमें चोरी होती है, ये होती है, बट हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। माहिम दरगाह का ऐसा है कि वी बिलीव इन टोटल ट्रांसपेरेंसी एंड सिस्टम मैनेजमेंट। तो ये पेटीएम लॉन्च करने का मकसद ये था कि लोगों तक हम लोग कन्वीनियंस के तौर पे कैसा पहुँचे, उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, समझो लोग किधर बाहर बैठे या नहीं आ सकते, वहाँ से ऑनलाइन ज्यारत भी कर सकते, पेटीएम के ऊपर डोनेशन दे सकते। बिकॉज माहिम दरगाह ऐसा है कि दे आर इंगेज इन मेनी मल्टीपल कॉजेज, रादर मेडिकल है, एजुकेशन से हमारी स्कूल्स है, हमारी प्राइमरी स्कूल्स है, जिम है, सो लाइकवाइज काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती। तो ऑल दिस फंड्स जो है वो सोशल कॉज में ही यूटिलाइज होते हैं और एक प्रोफेशनली मैनेज तौर पर होता है। क्योंकि पेटीएम को लाने का मतलब ये था कि लोगों तक एक यूज़र फ्रेंडली वे में हम पहुँचे, आज की टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़े और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन। एक ऐप अभी तैयार हो रहा है जिसमें हर टाइप की फैसिलिटीज़, अगर किसको कुछ फातिहा अगर कराना है तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हो, उसके बाद में अगर ज्यारत करना है तो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो CCTV का विंडो उनके लिए खुल जाएगा। तो लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ आर कमिंग इन, सो वी आर ऑल्सो गोइंग डिजिटल। ये AI का टाइम है, सो वी हैव टू गो अलॉन्ग विद द टाइम्स, अदरवाइज विल बी रन ओवर बाई समथिंग एल्स। सो बेटर वी कीप अप टू आवर पेस एंड जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसका राइटफुल एडवांटेज लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आगे की कुछ प्लानिंग है, आगे कुछ और प्लान कर रहे हैं आप? प्लानिंग में तो काफ़ी चीज़ें, वी वांटेड वन हाईटेक लाइब्रेरी ऑल्सो ओवर हियर। उसके बाद में हम चाहते थे कि वह एक लॉ ऑफ लैंड और लॉ ऑफ शरीयत के हिसाब के ऊपर भी हम लोगों को कैसा गाइड कर सकते हैं विद प्रॉपर मुफ्तीज एंड एडवोकेट्स। तो ऐसे प्लानिंग तो काफ़ी चीज़ के ऊपर है, विल सी हाउ टू गो अबाउट, वी आर कीपिंग अप टू द पेस नाउ एंड इंशाल्लाह वेरी सून लोगों तक और यूज़र फ्रेंडली वे में पहुँचेंगे। सर ये हाजी अली में भी स्टार्ट करने वाले हैं? हाजी अली का भी फुल कॉन्सेंट्रेशन उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। आप देखा होगा कि वहाँ सीलिंग का काम चालू है, अंदर आस्ताने का और दूसरे काम चालू है, गवर्नमेंट की तरफ से ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट का काम चालू है। सो हाजी अली टेक अबाउट 5-7 years टू कम्प्लीट, बट वो भी एक मॉन्यूमेंट जगह है एंड इट इज़ ऑन द सिटी मैप ऑफ मुंबई। हाजी अली इज एन आईलैंड विद इन आईलैंड, सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्ट्रक्चर नाउ, हाउ टू मेक इट वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये थे सुहेल खंडवानी जिन्होंने बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से अपने सारे प्लान को हमको बता दिया। लेकिन अभी हिंदुस्तान में हमारे पहले दरगाह में पेटीएम लॉन्च हो गया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि जहां पे भी बैठे हैं आप लोग अब ज़ियारत करें, दान अच्छे कामों के लिए करें। मैं तमन्ना टॉक विद तमन्ना से, थैंक यू सो मच।